What's the first thing you'll do? Go on a holiday with my wife, honeymoon. The first restaurant you'll go? So probably the first thing would be to go to a Japanese restaurant who would try some sushi. The first person you'll give a big fat hug? Probably within my coach. The first thing you'll do na after this pandemic, so what's the first thing you'll do? जैसे ये pandemic end होगा. Go on a holiday with my wife, honeymoon. ठीक है. And the first restaurant you'll go and eat outside? First restaurant I would go to. Restaurant को तो मुझे नहीं पता, but the first thing I would actually try would be sushi. क्योंकि काफी कह रहे हैं आजकल मछली वगैरह के अंदर भी sushi में कभी कभार कोई कोरोना शोरोना मछलियों की वजह से भी हो रहा है. तो आई रियली लव सुशी और उस वजह से आज तक मैं सुशी नहीं खाई पिछले 4 महीने से. तो प्रोबब्ली द फर्स्ट थिंग वुड बी टू गो टू अ जापानीज रेस्टोरेंट टू ट्राई सम सुशी. अच्छा द फर्स्ट पर्सन यू विल गिव अ बिग फैट हग. फर्स्ट पर्सन आई वुड गिव अ बिग फैट हग टू प्रोबब्ली विद इन माय कोच. ओके फैमिली मेंबर्स को तो मिला हुआ हूँ मिल रहा हूँ और लेकिन माय कोच उसको अभी मैं 4-5 महीने से नहीं मिला तो प्रोबब्ली वुड बी हिम. अच्छा अच्छा द फर्स्ट गिल्टी प्लेजर यू विल इंडल्ज योरसेल्फ इन. गिल्टी प्लेजर क्या हो सकता है यार. गिल्टी तो नहीं कहना चाहिए बट गोइंग टू अ सिनेमा हैविंग अ बिग बकेट ऑफ स्वीट पॉपकॉर्न एंड अ बिग बकेट लार्ज कोक मैंने अभी नहीं ट्राई काफी अर्सा हो गया मुझे वो किए हुए. अच्छा इसाम जब ये पेंडेमिक खत्म होगा तो आप एक पार्टी तो करेंगे तो उसमें कौन से गेस्ट होंगे जिनको आप जरूर बुलाएंगे? यार एवरी सिंगल वन जिनको मैंने मेहंदी पे ना कर दी थी. आई वाज सपोज्ड टू हैव अ मेहंदी कोई 1,500 लोगों की और सारे आए हुए थे. इंग्लैंड से भी आए अमेरिका से भी आए मेरी शादी के लिए सारे. 14th, 15th, 16th मार्च वॉज द डेट मेरी शादी की. 13th की 12 बजे को रात के 12 बजे लॉकडाउन का अनाउंस हो गया एंड आई हैड टू कैंसिल माय मेहंदी. सारी डांस प्रेपरेशंस वगैरह सारी जो जिन्होंने की थी उन सबको इनवाइट करूंगा एंड वी विल हैव अनदर मेहंदी इंशाल्लाह. एंड जो सारे इनवाइटेड थे उस लिस्ट में वो सारे दोबारा को बुलाऊंगा मैं. एंड फर्स्ट वोकेशन मतलब आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे जो आप प्लान कर रहे थे या पेंडेमिक खत्म होगा छुट्टियों पर? ऐसा प्लान ऐसे नहीं किया अभी कि कहाँ है लेकिन आई वुड इमेजिन समवेयर जहाँ पे बीच वगैरह हो. आई लाइक टू डू वाटर स्पोर्ट्स एज वेल. I really want to do scuba diving. तो उसके लिए बीच पे जाना जरूरी है तो मेरा प्रोग्राम तो वो है. तो maybe Maldives में कभी नहीं गया. मैंने काफी दुनिया फिरी भी है लेकिन मैं Maldives अभी तक नहीं गया हुआ. और I would like to go to Maldives, I would say, अगर on a honeymoon for sure. अच्छा उसी से मतलब कि first adventure you'll do, कि adventure भी अगर कोई आप सोच रहे थे और आप pandemic खत्म होगा फौरन आप करेंगे. या मैंने बंजी जंपिंग कर ली हुई है मैंने स्काई डाइविंग कर ली हुई है तो आई थिंक दे आर प्रीटी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वगैरह हैं. तो अनदर एक्साइटिंग थिंग आई वुड लव टू डू स्नॉर्कलिंग मैं कर चुका हुआ हूँ. वाटर स्पोर्ट्स मैंने काफ़ी की हुई है वाटर बोर्डिंग वगैरह भी पैराग्लाइडिंग भी पैरा सेलिंग भी. तो वन थिंग द बकेट लिस्ट में मेरे है इज एक्चुअली स्कूबा डाइविंग का मुझे है बहुत एंड टू स्विम अमंग शार्क्स. तो मॉलडीव से मेरा नहीं ख्याल शार्क्स होती हैं लेकिन स्कूबा डाइविंग जरूर होती है. तो प्रॉब्ली That would be the first thing I would like to do. ऐसी कौन सी आदत थी आपकी जो quarantine में आपको मिली और आप continue करेंगे मतलब जो आप सारे time period में आपने अपनाई और आप आगे भी continue करेंगे? नमाज़ें पढ़ना. I've been very very I think 4 महीनों में सबसे ज़्यादा नमाज़ें मैंने पढ़ी हैं. रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी 5 वक्त की पढ़ता रहा हूँ. और अभी थोड़ा सा टफ हो गया डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमारे रोड ट्रिप्स वगैरह काफी होते हैं तो उसमें थोड़ी सी छूट जाती हैं लेकिन आई थिंक दैट्स समथिंग मेरे ख्याल से क्वारंटीन में सबसे ज्यादा चीज जो मैंने की है जो मेरे ख्याल से चीज अच्छी अपनाई है वो वुड बी के काफी रेगुलरली नमाजें पढ़ रहा हूँ मैं. तो दैट वुड बी वन थिंग आई वुड लव टू कंटिन्यू. अल्लाह करे मुझे हिम्मत सलाह दे के मैं कंटिन्यू करता रहूँ. थैंक यू इसाम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों को कि वो डोनेट करें और आपकी एनजीओ के लिए कुछ तो आप बता दें कि किस तरह कर सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पाकिस्तानी कौम की तरफ से. उन्होंने बहुत दिल खुल के आगे बढ़ रहे हैं एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे डोनर्स का सारे बिजनेस हाउसेस का भी इंडस्ट्रीज का भी जिन्होंने अभी तक बीन पार्ट ऑफ माई कैंपेन. और लोगों से यही रिक्वेस्ट है जी टू कीप कमिंग फॉरवर्ड. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. अभी बहुत लोग हैं पाकिस्तान में जो भूख से मुतासर हो रहे हैं. रिस्क ने स्टॉक पोर्ट्स और टेनिस ने
ये प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को दे दिए हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ताकि मुस्तैक लोगों तक हम पहुंच सकें। मेरे फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा ट्विटर पेज है, उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी बैंक डिटेल्स भी हैं, मुझे आप प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं अगर आप किसी किस्म की अगर हमें डोनेट करना चाहते हैं या किसी आइटम के लिए बिड करना चाहते हैं। लेट्स जस्ट वर्क टुगेदर जी, वी हैव टू वर्क टुगेदर। गवर्नमेंट हर बंदे का ख्याल नहीं रख सकती, दे कांट रीच एवरीवन, सो वी हैव टू डू आवर पार्ट। और आई एम हियर फॉर यू, और मुझे काइंडली मैसेज करें सो वी कैन हेल्प इरेडिकेट हंगर फ्रॉम पाकिस्तान। और सबको आने वाली ईद पर सबको इन एडवांस ईद मुबारक, और काइंडली SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, जो छोटी ईद पे हमने ब्लंडर मारा है एज ए नेशन वो ना करें प्लीज। और अभी हमारे सूरत हाल बहुत अच्छी हो गई भी पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हिसाब से, केसेस के हिसाब से, तो प्लीज ईद पर SOPs को फॉलो करते रहें ताकि ये वबा जो है हमारे मुल्क से जल्द जो है ना खत्म हो। थैंक यू सो मच इसाम, थैंक यू। थैंक यू जी।